सकाळ आजि नर पंचांग आजि श्री श्वेतवराह कल्पर वैवस्वत मन्वंतर द्वितीय परार्ध उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास कृष्णपक्ष एकादशी तिथि मंगलवार युगाब्द 5124 विक्रम संबत 2079 अप्रैल मासर 26 तारीख आज दिनटी समस्तंक पई मंगलमय हेउ ईश्वरंक निकटरे विनम्र प्रार्थना। एणे तेणे निरंतर घूरी बुलुवा नारद वाल्मीकि मुनि आश्रम पहुंची थे से दिन नारद आगमन प्रणाम कर वाल्मीकि देवर्षि आपण यही आश्रम पदार्पण कर मत धन्य कर सर्वज्ञ मत कही दिंतु ए संसार एभली वीरपुरुष किए अच्छा जी विद्या ज्ञान गुण गरिमें श्रेष्ठ अटंती। नारद ज्ञान चक्षुरे देखिपारे महर्षि कहीं प्रश्न पचारुंट उत्तर कही संसार सर्वगुण संपन्न पुरुष होती सूर्यवंशी प्रभु श्री रामचंद्र मो पुरुष श्रेष्ठ भाव मानि थाए। नारद प्रभु श्री राम संपर्क में वाल्मीकि सविशेष कही आश्रम परित्याग कर नारद चली जाने अनेक क्षण पर्यंत वाल्मीकि श्रीराम कथा स्मरण करथिले भाविबा भितरे नदी तट को जाई एणे तेणे बुलु थांती देखिले वृक्ष शाखा एक क्रौंच दंपति आनंद क्रीड़ा करुछंती देखु देखु हठात काहुआसी एक तीर आघात पक्षी दंपति मध्यरु पुरुष क्रौंच आहत हो तले पड़ा किछि क्षण छटपट हो मरी जाइथिला। स्त्री क्रौंच आपणा प्रियतमर एही करुण मृत्यु देखी दुखरे विलाप करबाकु लागिला। वाल्मीकि हृदय एही करुण दृश्य देखी दयारे बिगलित होइगला व्याध उपरे भयंकर क्रोध हेला मुहरु तांकर आपे आपे साप श्लोक स्फुरित होइथिला मानिसद प्रतिष्ठा तो मगम सास्वीति समाहा जत क्रौंच मिथुन देकम अवधि काम मोहितम हे निषाद तुम्हें एभली कौन कल मैथुनर तो पक्षी जुगल मध्य गोटी को मारिदेल यही जगन्य पापर फलस्वरूप अनेक जुग अतिवाहित तुम्हें रही स्थान न पाई एणे तेणे घूरी बुलू थ हठात ऋषि एभली साप देते सत हेले परोक्षण निजर अभिव्यक्ति अनेक पश्चाताप करते मनरे हठात क्रोध को स्थान दे साप दे कारण व्याकु होठिले से ही सापवाणी ऋषि कर्णकुहर से बारंबार गुंजरित होता अश्रुत शब्द और श्लोक रूपी आपणा वचन से स्वयं विस्मित हो जाते मृत पक्षीटी प्रति अनुकंपा और शोकर उत्पन्न श्लोकर रीति देखी से आश्चर्य हेले मन को आसला ए सब से सच्चिदानंद परमात्मा लीला यार रहस्य बुझेना यह भावि भावि से ध्यानावस्थित हेले एही समय रे स्वयंभु ब्रह्मा आविर्भूत होई कहिथिले हे महर्षि एभरि व्याकुल हेबा आपणक ठारे शोभा पाए नाही ए सबु एही कारणरु घटिला जे आपण प्रभु श्री रामचंद्रंकर कथा ओ कहानी श्लोककार रे लेखिबा आरंभ करंतु शोकविहोळ अवस्था रे आपणक कंठरु जे श्लोक निसृत हेला एहाकु सम्मुखरे उदाहरण भावरे रखी आपण रामचरित मानस श्लोक रचना करंतु एही अविस्मरणीय महान कार्य को संपूर्ण करिबा लागि मु तुमको शक्ति देउछि एहा कहि चतुरानन ब्रह्मा अंतरित होइ जैथिले एही भलि भावरे पुण्य ग्रंथ रामायण रचना कार्य आरंभ होइथिला। वस्तुतः क्रौंच पक्षीर अकाल वियोगरे ऋषि कंठर निर्गत श्लोक ही रामायण ग्रंथ रचनार पृष्ठभूमि थिला।